गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। आज हम आपके लिए बायोलॉजी में एक और टॉपिक लेके आए हैं, स्केलेटन सिस्टम। क्या स्केलेटन सिस्टम, जिसको हिंदी में हम हड्डियों का ढांचा भी कहते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में बड़ी ध्यान से बड़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हम समझेंगे कैसे स्केलेटन सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करा जा सकता है, कौन से पार्ट में कितनी हड्डियाँ होती हैं हमारी, कितनी बोन्स होती हैं, और इसके बाद हम जो मेन डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो जॉइंट्स के बारे में है। जो एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादातर जॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि जो जॉइंट्स होते हैं कितने प्रकार के होते हैं हमारे बॉडी में, कहाँ कहाँ जॉइंट्स होते हैं, कौन सा जॉइंट, कौन से टाइप का जॉइंट क्या फंक्शन करता है हमारा, और जॉइंट के अलावा कुछ जो बॉन्स के अलावा जॉइंट में कुछ और भी चीजें होती है हमारी, जैसे कि हमारी लिगामेंट्स होते हैं, हमारे टेंडन्स होते हैं, हमारे कार्टिलेजेस होते हैं, इन सबका क्या फंक्शन होता है, क्या ये रोल प्ले करते हैं हमारे मूवमेंट, इजी मूवमेंट के लिए, जैसे कि हम अपने बॉडी को मूव कर सकते हैं, इसमें इन जॉइंट्स का क्या रोल प्ले होता है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखें। तो सबसे पहले समझते हैं हम स्केलेटन सिस्टम को। इसमें टोटल बोन्स कितनी होती है हमारे पूरे स्केलेटन हड्डियों के ढांचे में, इसमें 206 बोन्स होती है हमारे टोटल, ठीक है ना। ये टोटल तो बोन्स 206 होती है, पर हम स्केलेटन सिस्टम को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा एक्साइल सिस्टम, एक्साइल स्केलेटन कह सकते हैं, एक्साइल स्केलेटन सिस्टम। दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, ठीक है ना। तो ये दो पार्ट्स में होती है, जिसमें से जो हमारा एक्साइल स्केलेटन सिस्टम होता है इसमें 80 बोन्स होती हैं, और दूसरा हमारा जो अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम होता है इसमें बची हुई हमारी 126 बोन्स होती हैं। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा एक्साइल, और इसका फंक्शन क्या है, किस तरीके से इन दोनों को डिवाइड किया गया है, पहले ये समझते हैं। जो एक्साइल हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है वो बेसिकली एकदम सेंटर में होता है हमारे बॉडी के। अगर हम स्ट्रेट खड़े होंगे तो आपके एकदम सेंटर में जो बोन्स होती हैं उसको एक्साइल कहते हैं, एक्साइल स्केलेटन सिस्टम कहते हैं, मतलब इसको एक्सिस से बना है। जैसे कि आपने मैथ में भी पढ़ा होगा कि अगर कोई आप ग्राफ बनाते हो तो इधर जीरो, जीरो हमारी एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस कहते हैं, उसी एक्सिस से बना है ये एक्साइल स्केलेटन सिस्टम। क्योंकि जो ये जो हमारी बोन्स होती हैं एक्साइल, ये बिल्कुल सेंटर में होती है। हमारा जो स्कल ले लो, जबड़ा, या फिर जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है पीछे जा रही है, रिब केज है, ये सब के सब स्केलेटन हमारे एक्साइल स्केलेटन सिस्टम को बनाते हैं। इनमें जो भी बोन्स होती हैं ये इनका फंक्शन होता है, प्रोटेक्शन का फंक्शन होता है। ये किसी ना किसी मेन ऑर्गन को हमारी बॉडी के प्रोटेक्ट कर रही होती है, जैसे कि हमारा स्कल जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, और साथ के साथ जो है उन नर्व्स को भी प्रोटेक्ट कर रही है, जो कि इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पूरे नर्वस सिस्टम जा रहे हैं ना, बहुत सारी नर्व्स जा रही होती हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड से, ताकि जो है पूरी बॉडी से इंस्ट्रक्शंस जो है हमारे ब्रेन पे चले जाएं, और ब्रेन से सारी इंस्ट्रक्शंस जो है पूरी बॉडी पे चले जाएं, ठीक है ना। इसलिए और जबकि हमारा जो रिबकेज होता है वो तो आपको पता ही है, वो लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, और रिबकेज ना एकदम ही जो है तो सांस हम लेते हैं अंदर तो फूल जाता है ना, ये सब थोड़ी बहुत मूवमेंट भी होती है इनमें, पर बेसिकली इनका काम जो होता है वो प्रोटेक्ट करना होता है, किसी वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना होता है, और ज़्यादा इनमें मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलती, थोड़ी बहुत ही मूवमेंट देखने को मिलती है, थोड़ी इधर उधर हल्का फुल्का से हिलने को देखने को मिलता है, क्योंकि ना ही स्कल में कोई मूवमेंट देखने को मिल रही है, ना ही आप रिबकेज अपनी मर्जी से हिला सकते हो, बस सांस लेते हो तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, और कुछ नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम आता है। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में क्या होता है, जितने भी बाकी जो बोन्स है हमारे शरीर की, जैसे लिम्ब्स की बोन्स हो गई, हमारे हाथों की, पैरों की बोन, ये सब कुछ जो है हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में आता है। इसका क्या काम होता है इन बोन्स का, ये हमें लोकोमोशन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हमें मूवमेंट करने में मदद करते हैं, ठीक है ना। अगर हम इधर लिखें तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और वो लोकोमोशन प्रोवाइड करते हैं। लोकोमोशन मतलब चलने की एबिलिटी, हमारी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी हमें प्रोवाइड करते हैं। हम जो अपनी उंगलियों को मोड़ सकते हैं, हम जो है शोल्डर को घुमा सकते हैं, ये सब कुछ हमें जो है इसी अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में जो मौजूद जॉइंट्स होते हैं उनके कारण मिलती है।
इनकी जो जॉइंट्स होते हैं बल्कि वो इनमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, और एक और बात है, आपको एग्जाम में पूछी जाती है कि जो 206 बोन्स की हम बात करते हैं, ये ह्यूमन एडल्ट में होते हैं। जब इन्फेंट पैदा होता है, जब बच्चा जो है अपनी माँ के गर्भ से निकल के आता है, तो उसमें 300 बोन्स होती हैं, ये ना। चाइल्ड में 300 होती हैं, जबकि जो एडल्ट होते हैं उसमें 206 होती हैं। अब आप बोलेंगे बची हुई 94 बोन्स कहाँ चली गई? क्या जैसे हमारा चाइल्ड बड़े होकर जब एडल्ट बनता है तो क्या उसकी सारी बोन्स 94 बोन्स डिजोल्व हो जाती हैं? नहीं, वो डिजोल्व नहीं होती हैं बोन्स, वो मिक्स हो जाती है, वो जो है एक बन जाती है, जॉइंट आ जाते हैं उनमें। मतलब जैसे कि हमारी ह्यूमरस बोन है और यहाँ पे फीमस बोन है, ये सबके सब एक हो, इसमें ना छोटे छोटे टुकड़ों में होती हैं। जब चाइल्ड पैदा होता है, जब इन्फेंट आता है अपनी माँ के गर्भ से, तो उसमें छोटी छोटी बोन्स होती हैं। इतनी बड़ी बोन्स ना देखे भगवान, इतनी बड़ी बोन्स ना होके छोटी छोटी 3 बोन्स होती हैं यहाँ पे। इसका क्या यूज होता है कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए चाइल्ड में, क्योंकि जो चाइल्ड होता है उसमें ये वैसी बोन्स बहुत ही नाजुक सी होती हैं, इतनी ताकत नहीं होती उनकी बोन्स में, इसलिए स्ट्रेंथ को जो है स्ट्रेंथ की जगह उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, ताकि अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है चाइल्ड का, कोई लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो हड्डी ना टूटे, उसके बॉडी में इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो कि वो ज्यादा से ज्यादा शॉक को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है ना। इसलिए जो चाइल्ड होता है उसमें 300 होती है, बाद में जाके वो बोन्स, कई सारी बोन्स हमारी जुड़ के एक हो जाती हैं और 300 की 206 बन जाती हैं बोन्स एडल्ट के अंदर, ठीक है। और जो कुछ और फैक्ट्स आपको एग्जाम से पूछे गए हैं, वो कुछ बोन इंपॉर्टेंट बोन्स के नाम पूछे गए हैं, जैसे कि आपकी लॉन्गेस्ट बोन, स्मॉलेस्ट बोन और आपकी हैंड की जो बोन है इसके बारे में। तो आपकी लॉन्गेस्ट है, ठीक है ना, जो आपकी लॉन्गेस्ट बोन होती है वो आपकी फीमस है, जो कि आपकी थाई बोन में होती है। थाई होती है ना, आपकी लेग होती है घुटने से ऊपर का, और हिप से नीचे का एरिया जो होता है उसमें होती है आपकी फीमस, ये सबसे बड़ी बोन होती है आपकी पूरी बॉडी में। फिर आपकी शॉर्टेस्ट बोन आती है जो कि मिड ईयर में होती है, ईयर में भी काफी सारी बोन्स होती है हमारी, जो ईयर के अंदर पूरी जो फंक्शन होता है, पूरा जो हमारा ऑर्गन होता है ईयर में, उसमें जो काफी सारी बोन्स होती है, उसका भी ये मिड ईयर का जो पार्ट होता है उसमें स्टेपस नाम की एक बोन होती है, जो कि सबसे छोटी बोन होती है हमारी पूरी बॉडी में, सबसे छोटी बोन स्टेपस बोन ही होती है। फिर हमारे जो हाथ की पूछी जाती है, तो ह्यूमरस बोन होती है हमारे हाथों में, यानी कि हमारे शोल्डर से लेके हमारे एल्बो तक की जो ये बोन होती है, हाथ की जो लंबी वाली बोन जो होती है, इसको जो है हम ह्यूमरस बोन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गई तीन तो इम्पोर्टेंट बोन्स की बात हुई, और ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दिए थे, स्केलेटन सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दोनों का फंक्शंस बता दिया। अब जो एग्जाम में असली क्वेश्चन आते हैं ना, जो एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं आपके, वो आते हैं आपके कि जॉइंट्स को लेके, कि कौन से जॉइंट्स होते हैं, किस प्रकार के जॉइंट्स होते हैं हमारे बॉडी में। तो बेसिकली हमारे ह्यूमन बॉडी में 6 टाइप के जॉइंट्स मिलते हैं, तो हम उनके बारे में समझते हैं। मैं इधर लिख देता हूँ जॉइंट्स के नाम। पहले हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आता है, फिर पाइवोटल, रिंग जॉइंट्स हमारे, पहले जॉइंट, नेक्स्ट जॉइंट और हिंज जॉइंट, ठीक है। तो ये 6 हमारे जॉइंट्स होते हैं हमारे बॉडी में, 6 टाइप के जॉइंट्स, प्रकार के टाइप्स के जॉइंट्स मिलते हैं। तो इनको डिवाइड किया गया है इनकी फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर, डिवाइड किया गया है कि कौन सा जॉइंट कितनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है हमें, कितनी ज्यादा मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है हमारे दो बोन्स के बीच में। तो जो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, ये सबसे ज्यादा मूवमेंट प्रोवाइड करता है, ये मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। जैसे कि ये कहाँ पे पाया जाता है, ये हमारे शोल्डर में पाया जाता है, हिप्स में पाया जाता है, कि हम पूरी तक किसी भी डायरेक्शन में गोल घुमा लो, आगे पीछे कर लो, कैसे भी कर सकते हैं, अपने कंधे को भी और हिप्स को भी। आप हिप्स को करने का ट्राई करेंगे, आपसे नहीं होगा,
क्योंकि आपने बचपन से इतने यूज नहीं करा है उनको, इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अब आपकी जॉइंट्स में नहीं रही है। अगर जो एथलीट्स होते हैं जो बचपन से प्रैक्टिस करते हैं, बचपन से जो ये अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल रखने की कोशिश करते हैं, उनके जो हिप्स का जॉइंट होता है वो भी हर डायरेक्शन में चारों तरफ घूम सकता है, ठीक है ना। इसमें जो जॉइंट होता है, क्योंकि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, और अगर आपने बचपन से प्रैक्टिस करी है एथलीट्स बनने की, तो आपका ये जॉइंट काम करेगा, बढ़िया तरीके से काम करेगा, वरना सुस्त हो जाएगा ये जॉइंट भी, ठीक है ना, जंग लग जाएगा इस जॉइंट पर भी। फिर आता है हमारा पाइवोटल जॉइंट। ये जो पाइवोटल जॉइंट होता है, ये सिर्फ हमारे हेड से जो नेक को जोड़ रहा है एरिया, उधर होता है ये हमारा हेड और सर से धड़ को जोड़ने वाला जो एरिया होता है, उधर पाइवोटल जॉइंट होता है। इसकी क्या खास बात है इस जॉइंट की? ये सिर्फ पीछे और आगे घुमा सकता है हमारे शरीर को। हमारे शरीर हम पीछे कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, और थोड़ा इधर और उधर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, समझिए, पीछे आगे लेफ्ट और राइट, सिर्फ इस डायरेक्शन में घुमाने में ये मदद करता है हमारा पाइवोटल जॉइंट। ऐसा तो नहीं ना कि बिल्कुल ही 360 नहीं घुमा सकते हम, आगे पीछे और लेफ्ट और राइट कर सकते हैं, पर 360 नहीं घुमा सकते हैं इसमें। इस जब भी आपको पाइवोटल जॉइंट से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो आप इमेजिन करेंगे कि आपका जो है सर और धड़ के, आप अपने सर को कैसे हिला सकते हैं। तो ये जो है आप कह सकते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट एंड राइट। इसकी बस एक ही लिमिटेशन होती है, इसको 360 पीछे नहीं घुमा सकते आप अपनी मुंडी को, अपने सिर को बिल्कुल घुमा गोल नहीं घुमा सकते। ये नहीं कि आप गोल घुमा के बार बार गोल घुमाए जा रहे हैं, जबकि आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, इसको आप कितना ही गोल घुमा लो कोई बात नहीं, बार बार गोल घुमाते रहिए एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि पाइवोटल जॉइंट जो है पूरी तरीके से गोल नहीं घूम सकता है। फिर आता है हमारा ग्लाइडिंग जोन जॉइंट। जैसे ग्लाइडिंग जॉइंट होते हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? इसका मतलब भी होता है कि ये जो जॉइंट होते हैं ना, एक दूसरे पर फिसल रहे हैं, जो बोन्स हैं काफी सारी छोटी छोटी बोन्स एक दूसरे के ऊपर फिसल रही हैं, वो ये इतनी ज्यादा मूवमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा। वैसे कहते तो ये है कि ये ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट प्रोवाइड करता है, करता तो ये ऑल डायरेक्शन में है, पर बहुत ही धीमी धीमी सी मूवमेंट प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो बोन्स होती है ना, जिन बोन्स में ये जॉइंट पाया जाता है, वो खुद में बहुत छोटी छोटी बोन्स होती हैं, और वो इतनी ज्यादा आपको ऑल डायरेक्शन तो मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है, पर फिर भी आपको दिखने में कोई भी मूवमेंट नहीं दिखेगी। जैसे कि हमारे हाथ हो गया, हैंड हो गए, रिस्ट हो गई हमारी, इसमें भी यही वाला जॉइंट होता है हमारे ग्लाइडिंग जोन। जैसे कि आप ना अपने हाथों को किसी भी डायरेक्शन में घुर सकते हैं, इसको गोल कर दिया, इसको कुछ ऐसे मोड़ देते हैं, हर तरीके से घुमा सकते हैं, या फिर जैसे कि ये स्ट्रेट है, इसका ऐसे आपने गोल सर्कल बना दिया, बिल्कुल कैसे भी इसको घुमा फिरा के आप शेप दे सकते हैं, क्योंकि इसमें ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं, काफी सारी छोटी छोटी बोन्स होती हैं, और हर बोन में ग्लाइडिंग जॉइंट लगा होता है, जो कि हर डायरेक्शन में मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है आपको। फिर आते हैं हमारे सैडल जॉइंट। जो सैडल जॉइंट्स होते हैं ना, ये समझ लीजिए इसको, तो सैडल जॉइंट्स मतलब स्मॉल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। जो बड़ी बड़ी बोन्स होती है हमारी, उसमें जो है हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होता है कंधों में, हिप्स में, और जो छोटी बोन्स होती हैं उसमें सैडल जॉइंट्स होते हैं। जैसे कि हमारे अंगूठा हो गया, ये अंगूठा भी तो चारों तरफ घूम रहा है, कैसे भी घुमा लो इसको, गोल गोल घुमा लो, आगे पीछे घुमा लो, लेफ्ट राइट घुमा लो, कैसे भी घुमा लो, क्योंकि इसमें सैडल जॉइंट होता है। सैडल जॉइंट मतलब स्मॉल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है ना। हर डायरेक्शन में ये भी हर डायरेक्शन में मूवमेंट प्रोवाइड करता है, क्योंकि छोटा होता है, दिखने में बिल्कुल सेम सेम करीब करीब ऐसे ही होता है बॉल एंड सॉकेट जैसा। बॉल सॉकेट जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, कि ये हड्डी हो गई और ये सॉकेट होगा हमारा, ठीक है, ये हड्डी हो गई, ये सॉकेट हो गया, अब इसमें कैसे भी तरीके से घुमा दो, ये होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फिर जो हमारा जो सैडल जॉइंट होता है, इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब दिखने में बेसिकली ऐसे ही दिखाई देता है, बस ये तो फ्लैग गोल की जगह थोड़ा चौकोर होता है, इसलिए इसमें मूवमेंट थोड़ी कम होती है, पर इसको भी हम ऑल डायरेक्शन में ही कहते हैं। फिर हमारा फिक्स जॉइंट आता है। इन फिक्स जॉइंट्स में कुछ भी मूवमेंट नहीं होती, बिल्कुल भी मूवमेंट, बस ये इनका काम क्या होता है, दो हड्डियों को पकड़ के जोड़ के रखना, कि
हिले ना बस एक बार फिक्स कर दिया गया तो फिक्स कर दिया। अब जो दोबारा हिले ना, तुम हिल जुल के कोई प्रॉब्लम ना कर दे। जैसे कि ये कहाँ पे पाए जाती है, फिक्स जॉइंट्स हमारे जो हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। जैसे कि हमारा जो पूरा का पूरा स्कल होता है, हमारी खोपड़ी जो होती है वो 8 बोन से मिलके बनी होती है। वो कोई एक बोन नहीं होती, पूरी की पूरी एक स्कल एक ही बोन हो गया। उसमें भी कई सारी छोटी छोटी बोन्स होती हैं, और उन सभी बोन्स को जोड़ने के लिए फिक्स जॉइंट लगा होता है उनमें। हर जो बोन के बीच में फिक्स जॉइंट लगा होता है, जो एकदम चिपका के रखता है। ठीक है, और कहाँ पे पाई जाती है हमें फिक्स जॉइंट, ये हमें जबड़े में भी पाई जाती है। हमारी जो जैसे दांत होते हैं, दांत को तो हम गिनते नहीं है बोन्स में, दांत को टीथ को हम अलग से डाइजेस्टिव सिस्टम में बात कर ली थी हमने, अलग से गिना जाता है टीथ को। पर जो ऊपर का जबड़ा होता है जिससे टीथ जुड़े होते हैं, वो भी तो जॉइंट होता है ना, वो भी एक जॉइंट होता है। हमारे ऊपर के स्केलेटन से जो हमारे ऊपर का जबड़ा जुड़ा हुआ है, ये भी एक जॉइंट से जुड़ा हुआ है। कौन से जॉइंट से? फिक्स जॉइंट से जुड़ा हुआ है। फिर हमारे आ जाती है हिंज जॉइंट की बात। हिंज जॉइंट का क्या होता है, ये बस जो है आगे और पीछे का मूवमेंट प्रोवाइड करता है, आगे पीछे। जैसे कि हमारी एल्बो हो गई, ठीक है, हिंज जॉइंट आगे और पीछे का। जैसे कि हमारी एल्बो हो गई, इसको आप आगे कर सकते हैं पीछे कर सकते हैं। पर क्या, इसको अगर हम पकड़ लें, ठीक है ना, अगर हम शोल्डर को पकड़ लें और फिर इसको घुमाने की कोशिश करें, आप नहीं घुमा पाएंगे इसको, इधर उधर नहीं घुमा पाएंगे। जो हमारे शोल्डर होता है इसी के जरिए हम घुमा पाते हैं पूरे के पूरे बॉडी को। पर अगर आप इसको पकड़ के फिक्स करके घुमाने की कोशिश करेंगे तो नहीं घूमेगा, क्योंकि इसमें हिंज जॉइंट होता है जो कि सिर्फ फ्रंट और बैक में करता है, ये लेफ्ट और राइट में नहीं कर सकता। हमारे जो शोल्डर होता है ये प्रोवाइड करता है हमें पूरी फ्लेक्सिबिलिटी लेफ्ट और राइट में करने की, पर एल्बो में जो है हमारा हिंज जॉइंट होता है। तो ये तो हो गए हमारे 6 इंपॉर्टेंट जॉइंट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना। ये पर जो बॉडी होती है ना, जो बोन्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, इनमें सिर्फ बोन्स नहीं होती, सिर्फ बोन्स ये तो बोन्स के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। जॉइंट्स का मतलब होता है बोन के स्ट्रक्चर, किस प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं हमारे जॉइंट्स के ऊपर, ये तो हमने वो स्टडी करी थी। पर दो बोन्स को जोड़ने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर मसल्स को बोन्स से जोड़ने के लिए हो, क्योंकि हम जानते ही हैं कि जो बोन्स की मूवमेंट होती है वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से होती है। इस बात को भी याद रखिए, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है घुमा फिरा के, कि जो बोन्स की मूवमेंट होती है या फिर हम ह्यूमंस की मूवमेंट होती है वो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण होती है। जैसे कि अगर यहाँ पे हमारी बॉडी होती है, जो मसल्स होती है, ट्राइसेप और बाइसेप्स होते हैं हमारे, जब वो जो खींचते हैं अपने आप को, जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा हाथ पीछे चले जाता है, जब वो रिलैक्स करते हैं तो हमारा हाथ आगे चले जाता है। ये जो बोन्स पे जो प्रेशर बनाते हैं, मसल्स बनाते हैं अपने कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण, ठीक है। पर जो मसल्स को भी क्या चीज होती है जो मसल्स को जो बोन्स से जोड़ती है और दो बोन्स को बीच में जोड़ती है एक दूसरे से, अब हम उसकी बात करेंगे। ये तो बोन्स के अलावा भी जॉइंट्स में 4 तरीके की और चीजें होती हैं। पहला होता है हमारा सिनोवियल लिक्विड या फिर सिनोवियल फ्लूड, ठीक है। इसका क्या काम होता है सिनोवियल केमिकल का या फिर फ्लूइड का, ये जो है लुब्रिकेंट का काम करता है, लुब्रिकेंट यानी तेल का। जब भी कोई मशीन होती है जो कि मूव कर रही है, एक दूसरे से टकरा रही है, तो उसको फ्रिक्शन को, जो टकराने से फ्रिक्शन पैदा होती है, घिसाव पैदा होता है, उसको कम करने के लिए तेल डाला जाता है मशीनों में। ऐसे ही हमारे जॉइंट्स में उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए सिनोवियल फ्लूड डाला जाता है। तो ये लुब्रिकेंट फ्लूड होता है हमारा, हमारे जॉइंट्स का लुब्रिकेंट फ्लूड होता है, जिसको कहते हैं ना कि बुढ़ापे में अक्सर बोला जाता है कि तुम्हारे जो जॉइंट्स का जो है लुब्रिकेंट खत्म हो गया है, जॉइंट्स के जो फ्लूड खत्म हो गया, ऐसा बोला जाता है ना। तो वो इसी फ्लूड की बात हो रही होती है, सिनोवियल फ्लूड की, जो कि लुब्रिकेंट का काम करता है। फिर उसके बाद हमारा जो है टेंडेंस आते हैं। जो टेंडेंस होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये एक तरीके की मांसपेशियां कह लो, ये वैसे मांसपेशियां होती नहीं है, जैसे मांसपेशियां होती हैं वैसी अलग कैटेगरी होती है ये। एक तो मांसपेशियां हो गई, एक हड्डियां हो गई, और तीसरी कैटेगरी होती है टेंडेंस की। ये जो जॉइंट करते हैं हमारे मसल्स को बोन्स से जॉइंट करते हैं, इनके थोड़े नेचर अलग होता है मांसपेशियों के मुकाबले, और ये जो हमारी मांसपेशियों को जो है हमारी बोन्स से जोड़ने का काम करते हैं, मसल्स को जो है बोन्स से जोड़ने का। क्योंकि हमने बताया था आपको कि जितनी भी मूवमेंट होती है हमारी बॉडी में,
वो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण होती है, मसल्स के खिंचाव के और आराम करने के, रिलैक्सेशन के कारण ये जितनी भी मूवमेंट होती है। और क्योंकि अब जो है इसको कनेक्ट कौन करेगा, मसल्स को जो है बोन से कनेक्ट कौन करेगा इस मूवमेंट को लगाने के लिए, तो वो टेंडेंस करते हैं। फिर हमारे तीसरी कैटेगरी में आते हैं लिगामेंट। ये सब कुछ हमारे जो जॉइंट्स में पैदा, जॉइंट्स में मिलते हैं। जो टेंडेंस होते हैं वो जगह जगह भी मिल जाते हैं, क्योंकि जहां जहां बोन जो करने जोड़ने की जरूरत होगी मांसपेशियों से या मसल से, वहां वहां टेंडेंस मिल जाते हैं। पर बाकी हमारे लिगामेंट्स, हमारा सिनोवियल फ्लूड, ये सब कुछ जो है मिलते हैं आपको वही मिलेंगे जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं हमारे। और जो लिगामेंट्स हैं इनका काम होता है बोन टू बोन जोड़ने का, यानी कि जैसे कि हमने बात की थी कि ये दो बोन का स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप का जॉइंट होता है, पर इनको ये मूव तो कर जाएंगे आपस में, पर इनको जोड़े कौन रखेगा? ऐसा तो नहीं कि भैया ऐसे हमारे जो एक के ऊपर एक रख दिया बस, थोड़ा सा इधर हुआ गिर गया, हमारी जो हाथ अलग हो गया, कंधा अलग हो गया, सब कुछ अलग अलग हो गया हमारा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि इनको जोड़ने के लिए हमारे पास लिगामेंट्स होते हैं, लिगामेंट्स जो कि जो है मसल्स की तरह ही होते हैं। और ये मसल्स नहीं होती है, मसल अलग चीज होती है, हमारी टेंडन अलग चीज होती है, लिगामेंट अलग चीज होती है, ये जोड़ने का काम करते हैं बोन टू बोन। ठीक है, और चौथी जो हमारी कैटेगरी आती है वो कार्टिलेज आती है। जो कार्टिलेज होती है ना कि ये सिर्फ हमारी जॉइंट्स पे पाई जाती है, बल्कि पूरी बॉडी में जगह जगह पे इनको देखा गया है। कार्टिलेज को इनका क्या मतलब, बेसिकली सिर्फ लिगामेंट्स और हमारे सिनोवियल फ्लूड ही होते हैं जो जॉइंट्स पे ही, सिर्फ जॉइंट्स पे पाए जाते हैं, बाकी सब अपनी अपनी जगहों पे पाए जाते हैं। जो कार्टिलेज होती है ये जो ना क्या काम करती है, ये सॉफ्ट पैडिंग का प्रोवाइड करती है, मतलब कि एक तरह की सॉकेट का काम करती है। अगर ये मशीन मान लो, अगर हमारी ह्यूमन बॉडी को, स्केलेटन सिस्टम को मशीन मान लो जिसमें दो चीजें मूव कर रही हैं, तो एक सॉकेट भी जो चाहिए, कोई शॉक लगता है, जैसे कि आपकी बाइक में सॉकेट लगे होते हैं, कोई भी जो है गड्ढे आते हैं तो आपकी बाइक अचानक आपको उछालती नहीं है, क्यों? बस पहिया ऊपर थोड़ा उछल जाता है, क्योंकि इसमें सॉकेट लगे होते हैं। ऐसे ही हमारी कार्टिलेज सॉकेट का काम करती है, कोई भी जो है आपको शॉक लगता है, कोई भी अचानक से फोर्स आपको धक्का देती है, या फिर आप कूदते हैं, आप छलांग मारते हैं, तो आपकी बॉडी जॉइंट्स पे प्रेशर बनता है, उस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, उस प्रेशर से ताकि कोई भी बोन आपस में टकरा के टूट ना जाए, या फिर जो है ज्यादा प्रेशर ना बने, उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करने का, उस शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करती है हमारी कार्टिलेज। ठीक है, तो ये पैडिंग प्रोवाइड करती है दो बोन्स के बीच में ताकि कोई भी शॉक ना हो। और ये बोन्स के अलावा कहाँ कहाँ पाई जाती है, हमारे जो ईयर्स होते हैं, जिन ईयर के होते हैं, या फिर नोज होती है, इन सब में भी कार्टिलेज पाई जाती है। ये हमारी ईयर के यहाँ पे कान छेद दे दिए जाते हैं, कोई दर्द नहीं होता क्योंकि कार्टिलेज होती है, कोई बोन्स नहीं होती, कोई मसल्स नहीं होती। ऐसे हमारी ब्रोंकाइज भी होती हैं, जैसे कि आपने पढ़ा, हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि पहले ट्रेंचाई आते हैं, ट्रेंचाई से फिर ब्रोंकाइज निकलती हैं दो, फिर उससे ब्रोंकियोलीज निकलती हैं, तो ब्रोंकाइज के अंदर भी हमारी कार्टिलेज ही होती है। फिर चारों मिला के मसल्स के अलावा ये चीजें भी आपके इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तो हो गए हमारे इम्पोर्टेंट जो है, और जो है मसल्स के बारे में हमने बात कर ली। फिर इनके से बॉन्स और इनके से अलावा कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी आपको जानने जरूरी होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, जो अक्सर पूछे जाते हैं आपसे कि जो बर्ड होती है उसकी जो बॉन्स कैसी होती है। उसकी बॉन्स ना बहुत ही ज्यादा स्पॉन्जी टाइप की होती है, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा पोरस होती है, बहुत ज्यादा स्पेस होता है, बहुत खुली होती है। उसमें स्पेस क्यों होता है, ताकि बर्ड को बोयंसिटी प्रोवाइड करी जा सके, यानी कि जो बर्ड जो है हल्की हो सके, उसमें जो है हवा अगर अंदर भरी होगी बोन्स के अंदर तो उड़ने में आसानी होगी। ठीक है ना, कोई भी हमारी चीज होती है अगर उसके अंदर हवा भरी होती है तो वो फ्लोट कर पाती है, पानी के ऊपर भी फ्लोट कर पाती है। ये बोयंसिटी रूल होता है, जब हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे आपको तो हम बोयंसिटी के रूल भी आपको समझाएंगे। तो बोयंसिटी को मेंटेन रखने के लिए बर्ड की, उनकी जो बोन्स होती हैं वो बहुत ही ज्यादा पोरस होती हैं, बहुत ही स्पॉन्जी टाइप की बोन्स होती हैं। ठीक है, और दूसरी बात जो आपसे पूछी जाती है फैटिक के बारे में, कि मसल फैटिक क्या होती है। मसल फैटिक का क्या मतलब होता है, कि जब वो हमारी जो बोन्स, जो हमें मसल्स होती हैं
जब इनको बहुत ही ज्यादा तेजी से एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं आप, कोई भी मतलब इतनी प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, पर काम पे काम करे जा रहे हैं, बार बार इनसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवाए जा रहे हैं और प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन कैसे प्रोवाइड करेंगे, ऑक्सीजन तो आप सेम अमाउंट में ले रहे हैं बॉडी के अंदर, पर इन्हें काम इतना ज्यादा करवा रहे हैं तो इन्हें एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। ग्लूकोज को ये एनर्जी में ज्यादा कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ना, ग्लूकोज को एनर्जी में और आपकी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देने का जो प्रोसेस था, ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तोड़ने का जो प्रोसेस था, वो प्रोसेस करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती थी, है ना, ग्लूकोज प्लस O2 के मदद से। पर अगर आप O2 प्रोवाइड नहीं करेंगे, तेजी से काम करेंगे, तो लैक्टिक एसिड बन जाता है हमारी बॉडी के अंदर, लैक्टिक एसिड बन जाता है, और जो यीस्ट बनाती है, जो फंगस बनाती है, वो जो है अल्कोहल बना देती है हमारे बॉडी के बाहर। अगर जो है कम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, लैक ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है तो अल्कोहल बनती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है तो उसमें जो है लैक्टिक एसिड बनता है। अगर जो मसल्स के जो सेल्स होते हैं, वो भी हर एक सेल, आप जानते हैं कि हर एक सेल जो रेस्पायर कर रहा होता है, हमारे बॉडी में एक एक सेल में रेस्पिरेशन सिस्टम होता है। ये जो प्रोसेस होता है पूरे रेस्पिरेशन के लिए हमने पढ़ा था, उसका काम सिर्फ इतना होता है पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाना, फिर हर सेल अपना खुद का रेस्पिरेशन प्रोसेस करता है, जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन सिस्टम भी कहते हैं। अगर वो ऑक्सीजन ढंग से ना पहुंचे तो लैक्टिक एसिड बनता है, और लैक्टिक एसिड जो है केमिकल्स को डिजोल्व कर देता है, हमारे मसल की जो केमिकल्स होते हैं उनको डिजोल्व कर देता है, जिसके कारण जो है मसल्स काम करना बंद कर देती है, यानी कि जो है मसल फैटिक हो जाती है। मसल कहती है भाई मैं तो बहुत थक गई, मेरा सारा केमिकल खत्म हो गया, अब मैं मूव नहीं कर सकती, अब मैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाऊंगी, फिर वो नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेना भी बंद कर देती है, इंस्ट्रक्शंस लेना बंद कर देती है। इसी को कंप्लीट फैटिक ऑफ मसल्स कहते हैं, इसको कंप्लीट फैटिक ऑफ मसल्स कहते हैं, जब मसल्स जो है नर्वस सिस्टम से इंस्ट्रक्शंस लेना बंद कर दे, ठीक है ना। तो यहीं पे हमारा जो है स्केलेटन सिस्टम खत्म हो जाता है। एग्जाम में इससे बाहर आपका कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा, हमने एक एक टॉपिक को बड़ी डिटेल में कवर कर लिया है इस वीडियो में। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई और टॉपिक के बारे में कुछ समझना हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक से कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, और उसके साथ में दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। थैंक यू।